बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 9 से कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, और आज हम लोग एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट एक ही स्टेटमेंट है, आंसर ट्रू एंड फॉल्स। आपने आंसर करना है ट्रू या फॉल्स में। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट वो ट्रू यानी कि सही नहीं है, देन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद वर्ड्स दैट मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो आपने उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स की जगह पर वो वर्ड्स रिप्लेस करना है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोगों के पास है ऑप्शन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। सबसे पहले आपके पास जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वल होता है, आपने आंसर करना है। तो इसका आंसर है सबसे पहले आप लोगों के पास ट्रू। आप यहाँ लिख दें ट्रू। ट्रू का रीज़न आपने नहीं देना, लेकिन फॉल्स का रीज़न आपने ज़रूर देना है। सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑल कॉन्टीन्यूस रेंडम वेरिएबल फॉलो अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों के पास जितने भी कॉन्टीन्यूस रेंडम वेरिएबल होते हैं वो फॉलो करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसका आंसर है फॉल्स। और इसका रीज़न है मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि कॉन्टीन्यूस रेंडम वेरिएबल फॉलो कर रहे होते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ऑल नहीं आएगा, इसके अंडरलाइन के वर्ड की जगह पर रिप्लेस होकर वर्ड आएगा मोस्ट। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों के पास नॉट ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होते स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि सारे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और इस नॉट ऑल की जगह पर आंसर आएगा आप लोगों के पास करेक्ट वाला ऑल। अब आप लोगों के पास फोर्थ ऑप्शन है फॉर एनी कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर आपके पास कोई रैंडम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल हो x का, जिसमें आप लोगों के पास है प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 1.5, तो वो आप लोगों के पास इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 1.0 के, तो आपने इसका आंसर देना है ट्रू। नेक्स्ट में आप लोगों के पास फिफ्थ पॉइंट है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लेफ्ट टू इट्स मीन इज़ -0.5, कि आपके पास जो नॉर्मल कर्व में एरिया आता है जो पीछे रह जाता है, अगर आपके पास लेफ़्ट साइड का एरिया हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ ग्राफ भी बना के दिखा देती हूँ कि आपके पास इस तरह से ग्राफ होता है, आप लोगों के पास ये नॉर्मल का कर्व है, आपके पास इस तरफ भी 0.5 है और इस तरफ भी 0.5 है, राइट साइड पर भी पॉजिटिव 0.5 है और लेफ़्ट साइड पर भी पॉजिटिव 0.5 है, तो इस तरह से आपके पास अगर राइट हो या लेफ़्ट हो तो आप -0.5 कंसिडर नहीं करते, बल्कि इसको आप पॉजिटिव 0.5 ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ इसका ऑप्शन है फॉल्स, क्योंकि करेक्ट आएगा आप लोगों के पास 0.5। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर 6 है द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। 6 ऑप्शन है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट 0, कि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है आपके पास 0 पे, तो इसका आंसर है आप लोगों के पास फॉल्स। आप लोगों के पास सिर्फ ऐसा होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सिमेट्रिकल होता है 0 पे नहीं बल्कि मीन पे। नेक्स्ट आप लोगों के पास 7th वाला ऑप्शन है द मीन मीडियन एंड द मोड ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, कि आप लोगों के पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड आपके पास इक्वल नहीं होते, तो इसका आंसर है आप लोगों के पास फॉल्स, क्योंकि वो होते हैं इक्वल। उसके बाद है द मीडियन द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड 0 स्कोर इज़ 1 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास मीन स्टैंडर्ड जी स्कोर का 1 हो तो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है 0 के, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड जी स्कोर 0 हो तो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर फर्स्ट 1 की जगह पर ऑप्शन आएगा 0 और इस 0 की जगह पर ऑप्शन आएगा 1। उसके बाद आप लोगों के पास 9th ऑप्शन है यहाँ पर द टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2। आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया होता है उसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आता है 2, तो इसका आपके पास आंसर है फॉल्स, क्योंकि आप इसको सॉल्व करें टोटल एरिया अंडर द कर्व जो कि मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करवा चुकी हूँ वो 2 के इक्वल नहीं बल्कि 1 के इक्वल होता है।
उसके बाद आपके पास यहाँ पर 10th ऑप्शन है, इफ़ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z इज़ 0 देन द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन द मीन ऑफ दिस वेरिएबल। अगर आपके पास कंप्यूटेड वैल्यू z की 0 आ जाए तो आप लोगों के पास जो वैल्यू जो आप नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में देखेंगे वो आपके पास ग्रेटर देन आ जाएगी वेरिएबल मीन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर भी है आप लोगों के पास फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं बल्कि इक्वल टू आएगा। उसके बाद है आप लोगों के पास द टोटल एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 0.5 के। अगर आपके पास कभी भी नॉर्मल कर्व हो टोटल एरिया का तो आप लोगों के पास वो इक्वल होता है 0.5 के। तभी मैंने आपको बताया कि वो 0.5 के नहीं बल्कि 1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद है जी स्कोर्स फॉर आर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज सेट फॉर ऑल होल फ्रैक्शन। आप लोगों के पास जी स्कोर की स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हमेशा सेट होता है सिर्फ होल नंबर्स पे, तो इसका आंसर भी है फॉल्स, क्योंकि वो होल नंबर और फ्रैक्शंस दोनों में सेट होता है। आप यहाँ लिखेंगे होल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 13, द सेकंड क्वार्टाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज लार्जर देन इट्स मीडियन। के आपके पास जो सेकंड क्वार्टाइल यानी कि Q2 होता है मीडियन, आपके पास देन नॉर्मल कर्व में वो लार्जर देन होता है मीडियन के, तो यहाँ पर आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल होता है, क्योंकि आप मीडियन को ही सेकंड क्वार्टाइल यानी के Q2 कहते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन नंबर 14 है, ट्रांसफॉर्मिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट चेंज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास फॉल्स, क्योंकि ये आप लोगों के पास है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास तब ट्रांसफॉर्म होते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप लोगों के पास उसमें चेंज ना आ रहा हो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आप लोगों के पास यहाँ विल नॉट की बजाय वहाँ आंसर आएगा आप लोगों के पास विल, कि आप लोगों के पास जब चेंज हो रहा होता है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि जब चेंज नहीं हो रहा होगा तब आपके पास यहाँ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है विल। जब चेंज हो रहा होगा तब आप लोगों के पास ये मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा। अब आप लोगों के पास लास्ट है 15th वाला ऑप्शन, द स्टैंडर्ड स्कोर यूनिट इज़ द सेम एज द डेटा यूनिट। क्या आपके पास स्टैंडर्ड स्कोर यूनिट सेम होते हैं डेटा यूनिट्स के, तो इसका आंसर आप लोगों के पास फॉल्स, के वो आप लोगों के पास सेम नहीं होते, यहाँ आप लिखेंगे नॉट सेम। और इस जगह पर आप लोगों के पास ये डैश मीन के नीचे नहीं बल्कि विल नॉट के नीचे है, तो आप ये मीन से स्किप कर सकते हैं। इसकी जो डैश है वो आप लोगों के पास विल नॉट के नीचे, इसका करेक्ट है विल। अब यहाँ तक हम लोगों ने ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ से। इसका पार्ट बी है, इसका पार्ट वन की स्टेटमेंट है, द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व्स बिटवीन -3 एंड -2.0 इज़। आपके पास स्टैंडर्ड एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के आपके पास एरिया है -3.0 और -2.0। अब आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरह से करना है कि आपने -3.0 को टेबल में देखना है और -2.0 को टेबल में देखना है, दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगे उसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। 0.A में है 0.0228, 0.4472, 0.02165, 0.3413। अब यहाँ पर से आपने -3.0 को 0 में देखना है और -2.0 को 0 में देखना है, जो आंसर आएगा दोनों की वैल्यूज को ऐड करना है, और जो आंसर आता है वो मैं अभी आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसी बुक के पेज नंबर 365 पे जाना है, जहाँ पर आपके पास टेबल्स बने हुए हैं। आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी -3.0 > x -2.0। तो आप इसकी रेंज बनाएंगे, सबसे पहले -3.0 से लेकर 0 तक, -2.0 से लेकर 0 तक। अब सबसे पहले जब आप टेबल पेज नंबर 365 पे जो टेबल है -3.0 को 0 में देखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.49865, और जब -2.0 को 0 में देखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4772। आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज़ लिखनी है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस इस साइन को ये प्लस नहीं करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ को आपने माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02145। अब आपने अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास है 0.0228, 0.4472 और 0.02165 और 0.3413। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास इस ऑप्शन के क्लोज टू है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पार्ट बी का ऑप्शन है, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ए है
इट इज़ बेल शेप एंड सिमेट्रिक कर्व फॉर एनी नॉर्मल रेंडम वेरिएबल एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू द अंडर एरिया द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी ऑल ऑफ अबव। आपके पास इनमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि कौन सी खसूसियात है वो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बतानी है। तो ये सारी ही करेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। थ्री वाला ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर पार्ट ए में है सिमेट्रिकल हैविंग टू पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा बेल शेप ऑल ऑफ अबव। आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल भी होता है, इसके दो पैरामीटर्स हैं म्यू और सिग्मा, और ये बेल शेप भी होता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, फोर आर स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर। आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ के इक्वल होते हैं। पार्ट ए है आप लोगों के पास, आपके पास म्यू वन हो और सिग्मा वन हो, म्यू जीरो हो और सिग्मा वन हो, म्यू 50 हो और सिग्मा 10 हो, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आप इसको मेंशन करते हैं म्यू और सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप इसी तरह से मेंशन करते हैं जीरो और वन। आपके पास मीन हमेशा जीरो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आप लोगों के पास हमेशा होता है वन के इक्वल। नेक्स्ट आप लोगों के पास फिफ्थ वाला ऑप्शन है, द मिडल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व विद म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा इज। आप लोगों के पास मिडल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जिसका होता है म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है 95%। वो कैसे, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 0.68 या आपके पास 68% बनेगा अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 ही आ जाएगा, 100 आपके पास नॉर्मल एरिया में नहीं होता, ये आ जाएगा 95.45 यानी कि 95% और ये आ जाएगा आप लोगों के पास 99.73। जब आप लोगों के पास म्यू प्लस माइनस वन सिग्मा होता है तो वो आप लोगों के पास 68% आता है, जब आप लोगों के पास म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा होता है तो वो 95% आता है, और जब आप लोगों के पास म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा होता है तो आप लोगों के पास 99.73% एरिया कवर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.9545। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास सिक्स की स्टेटमेंट है, फोर आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल टू 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10, हाउ मच एरिया विल बी स्क्वायर टू राइट x इज इक्वल टू 50। आप लोगों के पास अगर म्यू 50 है और सिग्मा 10 है तो आपके पास x की वैल्यू है 50 और ये आप लोगों के पास राइट साइड की वैल्यू है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं यहाँ साइड पे रफ वर्क करके आपको सारा दिखाती हूँ। इस फिर ऑप्शन नंबर ए है 0.35, ऑप्शन नंबर बी है 0.95, ऑप्शन नंबर सी है 0 और ऑप्शन नंबर डी है 0.5। फिर आप लोग इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया, सबसे पहले आप लोगों के पास म्यू सिग्मा और एक्स की वैल्यू थी, आप लोगों ने यहाँ स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखना है जो कि इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, एक्स की वैल्यू 50, म्यू की वैल्यू बाय 50 और सिग्मा की वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब आप लोगों के पास जब जी का आंसर आ गया 0 तो आप लोगों के पास 0 से लेकर राइट साइड तक यानी कि इन्फिनिटी तक की वैल्यूज है, क्योंकि इन्होंने यहाँ राइट साइड मेंशन किया हुआ है, तो आपने 0 के अंदर 0.5 ऐड करना है, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन नंबर सेलेक्ट हो जाएगा डी यानी कि 0.5। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेवन स्टेटमेंट है, इन आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू। आप लोगों के पास मीन डेविएशन किस चीज़ के इक्वल होता है, आप लोगों के पास मीन डेविएशन इक्वल होता है 3/4 सिग्मा। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आपने 3/4 को डिवाइड करना है और आपके पास क्या आंसर आता है। जब आप 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.75। तो मीन डेविएशन आपके पास इक्वल होता है 3/4 सिग्मा यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.75 सिग्मा। अब आप लोगों के पास 0.75 का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो 0.75 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 और ये सिग्मा आप यानी कि ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एट जिसके आपके पास स्टेटमेंट है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेस स्प्रेड आउट व्हेन। आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब लेस स्प्रेड होता है, जब आपके पास क्या कंडीशन हो, मीन स्मॉल हो, मीडियम स्मॉल हो, मोड स्मॉल हो या स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों के पास स्मॉल हो। आप लोगों के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब लेस स्प्रेड आउट होता है जब आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर 9 है, द लाइफ टाइम ऑफ अ जर्नल टायर्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एवरेज ऑफ 40,000 किलोमीटर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5,000 किलोमीटर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड टायर विल मोर देन 50,000 किलोमीटर्स इज। पार्ट ए 0.6789, 0.9772, 0.0228, 0.1600।
उसी तरह से आप लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, और आप लोगों के पास यहाँ जो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन की वैल्यू है वो है मोर, तो ये आ जाएगा 50,000 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब जी का जो फार्मूला है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, मीन की 40,000 पुट करेंगे और सिग्मा की ये वाली वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको एरिया टेबल में देखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये मैं पूरा सॉल्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने यहाँ पर जी का फार्मूला लिखा, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 50,000 पुट किया, म्यू की जगह पर 40,000, सिग्मा की जगह पर 5,000, जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब आप लोगों के पास से एक्स इज ग्रेटर देन 50,000, आपने 0.5 में से 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू देखनी है, तो जब आपके पास 2.0 को जब आप 0 में देखेंगे आंसर आ जाएगा 0.4772, 0.5 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0228। अब यहाँ पर से आपने ऑप्शन देखना है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होना है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो रहा है 0.0228। अब हम इस MCQs का लास्ट स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों के पास कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो सही हो। आपके पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है जी इज ग्रेटर देन -0.2, आपके पास तब इक्वल होता है जब आप लोगों के पास 0.2 भी ग्रेटर हो। पार्ट बी की स्टेटमेंट है कि आप लोगों के पास जी तब ग्रेटर होता है जब -0.2 हो, और दूसरी स्टेटमेंट है <0.2। सी की स्टेटमेंट है ग्रेटर देन -0.2 और दूसरी तरफ <0.2 हो, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आप लोगों के पास जब -0.2 हो तब आप लोगों के पास दूसरी साइड पर पॉजिटिव का 0.2 आता है और वो लेस हो, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक आप लोगों के पास एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव जिसमें ट्रू फॉल्स और MCQs हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।